तो इससे मिलो टकले से। अभी ये बहुत चर्चे में है, ये बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है। ये टकला बोल रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है, और वीडियो बना रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, मैं डर नहीं रहा हूँ भाई, मैं तुम लोगों से डर नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आवाज अच्छा भाई डर नहीं रहे, लेकिन देखो इनके पसीने कितने आ रहे हैं, बेचारे पसीने पोंछ रहे हैं, इनकी इतनी ज्यादा फट चुकी है, इनके पसीने आ रहे हैं माथे पे, लेकिन सच नहीं बोलेंगे, इनको तो फेंकनी है लंबी लंबी। अब तो सर बोल दे भोसड़ी के, मास्क लगाता है, दम है तो मास्क उतार के दिखा, मास्क उतार के दिखा, फेस रिवील। अबे टकले तू अगर गलती से अपना फेस दिखा दे तो सर पे बचे कुछ बाल, वो भी नहीं बचेंगे। जे स्लिम करके एक बंदा है, इस टकले के ऊपर उन्होंने भी वीडियो बनाई थी, काफी ज्यादा समझाया था कि भाई उनके बारे में ऐसा मत बोल, बुरा भला मत बोल, उनका मजाक मत उड़ा। जेट प्रपोजल करके एक बंदा है जिनका अभी के टाइम पे एक्सीडेंट हो चुका है, तो ये टकला उनके ऊपर वीडियो बना रहा है, मजाक उड़ा रहा है उनका कि अच्छा वो मर गया ऐसा बोलकर। लेकिन तभी बीच में एंट्री होती है सुपर खालसा की, सुपर खालसा ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया और बोलते ना चड्डी इसकी पीछे से भी गीली हो गई और आगे से भी गीली हो गई। सुपर खालसा ने इस टकले की इसकी औकात दिखा दी और भी माफी मांग रहा है। ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जट प्रभजोत के बारे में बोलने की, मुझे पता नहीं है कि वो सुपर खालसा का भाई है, तूने बोला कैसे उसके बारे में, कर पहले मुझे ये बता। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है एक तरीके से, मैं एग्जैक्टली 3 साल से काम कर रहा हूँ और टीम के लिए किया था मैंने, और मुझे नहीं पता था कि ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और मैं सभी को सॉरी कह रहा हूँ, पहले तो प्रभजोत भाई की जितनी फैमिली की अगर कोई देख रहा है, आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मोटिव नहीं था, मेरा बिल्कुल भी वो मोटिव नहीं था, मेरे को एक तरीके से अपना छोटा भाई समझ के सबके सब माफ कर दो। मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा बात बढ़ जाएगा, मेरे को लगा ठीक है यार कौन ही ध्यान देगा ये सब चीजों पे, लेकिन बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है और इतना ज्यादा लोग गालियां दे रहे हैं कि मुझे टाइफाइड हो गया उनका कमेंट्स देख के, लाइक आज ही डॉक्टर के पास होके आया हूं और मैं सभी को सॉरी कह रहा हूं। तो जितने जितने लोग देख रहे हो भाई ये अभी आप सभी से माफी मांग रहा है, सारे के सारे बंदे नीचे कमेंट करके बताओ क्या ये माफी के लायक है, क्या इसको माफी मिलनी चाहिए जो इसने जो गलती की है। जाट प्रभजोत की डेथ हो चुकी है या फिर नहीं है तो मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे पता चलता तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी लॉन्ग वीडियो अब आने वाली एंटरटेनमेंट के लिए। आज के लिए बस इतने, अगर आप लोग नेक्स्ट रोज वीडियो किस पे चाहिए नीचे कमेंट करके बता देना, तो मिलते हो किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।